नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बचपन से ही एक कलेक्ट्रेट शब्द सुनते आए हैं, लेकिन कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि नौकरी करने के दौरान लगा कि नहीं, अब मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। ये बात जागृति अवस्थी ने दूसरी रैंक हासिल करने के बाद कही। बता दें कि यूपीएससी ने सीएससी मेन 2020 फाइनल एग्जाम का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी जागृति अवस्थी ने देश में दूसरी रैंक हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग की ओर से देश की ब्यूरोक्रेसी में नियुक्ति के लिए कुल 761 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई। इनमें से 545 बेटों ने परचम लहराया तो 216 बेटियों ने जीत के झंडे गाड़े हैं। वहीं महिला उम्मीदवार में जागृति अवस्थी ने टॉप किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरी उम्मीद से बढ़कर है। बस यही आशा करूंगी कि जितनी सराहना अभी हो रही है उतनी ही सराहना भविष्य में भी मेरे काम की हो। बता दें कि 24 वर्षीय जागृति के परिवार में माता पिता और एक भाई हैं। जागृति के पिता पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वहीं माँ एक स्कूल टीचर थी। हालांकि जागृति की पढ़ाई में मदद करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अलीगढ़ के कोतवाली बन्ना देवी इलाके में शादीशुदा प्रेमिका और तीन बच्चों की मां के प्यार में नई बस्ती निवासी 21 वर्षीय युवक ने बंद कमरे के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वही 21 वर्षीय युवक के खुदकुशी करने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक शादीशुदा तीन बच्चे की माँ से प्यार करता था और उसी के साथ शादी करने की जिद करता था, जिसके चलते उसके परिवार में कोई बात हो गई, जिससे नाराज होकर युवक ने छत पर बने कमरे में पहुंचकर कमरा बंद कर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने खुदकुशी करने से पहले शादीशुदा प्रेमिका को कई बार फोन किया था और इस दौरान दोनों के बीच फोन पर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके चंद मिनटों के बाद ही युवक ने खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यहाँ पे अभी एक घंटे पहले जब मैंने देखा था, मैं बाल कटा के आ रहा था तो ये गाड़ी पे बैठा था, तो किसी से बात कर रहा था। लड़की सी कोई होगा, इसका अफेयर वगैरह चल रहा होगा, घर पे था इसके कोई नहीं। एक घंटे बाद जब उसकी चाची बाहर आई नहीं, जब उन्होंने हल्ला मचाया, जब हम छत पर खड़े थे तो उन्होंने कहा नीचे आओ नीचे आओ। हमने क्या हो गया, क्या सौरभ ने फांसी लगा ली है। हम ऊपर गए तो हमने देखा तो भाई उसने फांसी लगा रखी थी। हमने देखा तो हमने उसको पकड़ा, उसको जब फिर सारे मोहल्ले वाले मौजूद हुए। जालौन में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर एक 65 वर्षीय वृद्ध अध्यापक की हत्या कर दी। बता दें कि हमलावरों ने धारदार हथियार से बुजुर्ग के सर पर वार कर उसकी हत्या को अंजाम दिया। वहीं बुजुर्ग की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग अध्यापक घर पर रह कर बच्चों की कोचिंग देकर अपना जीवन यापन किया करता था। मामले में अध्यापक के परिजनों ने ट्यूशन पढ़ने वाले दो छात्रों पर ही हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और एक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजेंद्र नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो जालौन का ये पूरा मामला, जहां पर परिजनों ने दो छात्रों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय अध्यापक यहीं पर कोचिंग सेंटर चलाता था और कई छात्र उसके पास कोचिंग लेने के लिए भी आया करते थे। मेरठ में प्रशासन के सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा अभियान के बीच रोडवेज बस अड्डे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां रोडवेज बस अड्डे के परिसर में ही तेज रफ्तार बस चालक ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र ब्रह्मपुरी के रहने वाले राजकुमार नानू गांव जाने के लिए भैंसाली गांव अड्डे पर पहुंचे थे। वो बस की तरफ जा ही रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार बस चालक ने लापरवाही से बस चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। वहीं आनन फानन में उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि जिस जगह यह हादसा हुआ उसे कुछ दूरी पर ही प्रशासन का सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान चल रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की जानबीन में जुट गई है। तो मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार बस से टक्कर हो गई और पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। दरअसल एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस लगातार यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक कर रही थी,
तेज रफ्तार का कहर जो लगातार प्रदेश में बना हुआ है उसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा था, लेकिन यहाँ एक दर्दनाक हादसा हो गया जहाँ तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, एक की मौत बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ में हवा के कंप्रेसर सिलेंडर के अचानक फटने के चलते एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एफएम टावर के पास साइकिल की दुकान पर चल रहे हवा कंप्रेसर के अचानक फटने से साइकिल मोटरसाइकिल की मरम्मत की दुकान चलाने वाले मजदूर की हवा कंप्रेसर सिलेंडर फटने के चलते मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूदा लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मेरे साले लगते हैं। अच्छा, क्या नाम है इनका? मुकीम। अच्छा, किस चीज़ से, क्या क्या हुआ था, किस वजह से? ये हुआ था, जो कंप्रेसर था ना, हवा वाला जो कंप्रेसर होता है जिसमें हवा भरते हैं, तो वो चल रहा था। ये अचानक कुर्सी बैठे थे तो किसी सामान के लेने के लिए अंदर गए थे दुकान में, ये निकाल के नहीं आ पाया, उससे पहले सिलेंडर फट गया। अच्छा, सिलेंडर कंप्रेसर, गैस का कंप्रेसर। अच्छा, ये तो ये घर पे हुआ था इनके या दुकान? अच्छा, किस चीज़ की दुकान थी इनकी? साइकिल मोटरसाइकिल की दुकान, मोटरसाइकिल पंचर और साइकिल रिपेयरिंग। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? ये है मौलाना आजाद नगर। गोंडा में भारी बरसात के बीच सरयू पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां गोंडा लखनऊ मार्ग पर बना सरयू पुल किनारे से टूट गया, जिसके चलते हाईवे पर आवागमन भी बाधित हो रहा है। फिलहाल रूट को डायवर्ट कर दिया गया, वहीं अब इस पुल के टूटने से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जहां उन्हें लखनऊ जाने के लिए एक बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा। मामले में जिला प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल की। फिलहाल प्रशासनिक और पुलिस अफसर मौके पर निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में बना यह सरयू पुल हजारों लोगों के आवागमन का एकमात्र रास्ता है, जो अब पूरी तरीके से बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो गोंडा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, सरयू नदी पर यह पुल बंधा हुआ है और इस पुल को लेकर लगातार लोगों की शिकायतें पहले भी अधिकारियों तक पहुंचाई जा चुकी है, क्योंकि सालों से पुल बना हुआ है, क्षतिग्रस्त है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन भारी बरसात में इस पर आवागमन अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त था। ऐसे में हजारों लोग इस पुल से होकर गुजरते थे, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए इसके मद्देनजर शिकायत मिलने पर अधिकारी वहां पहुंचे और इस पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद कराया है। प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां आए दिन प्रदेश में सड़क हादसे होते रहते हैं। ऐसे ही मामले सामने आए हैं लखनऊ और हमीरपुर से, जहां लखनऊ में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मवैया मेट्रो स्टेशन के पास की पूरी घटना है, तो वहीं हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार की भी मौके पर ही जान चली गई। सुमेरपुर थाना कस्बे के तपोभूमि के पास का ये पूरा मामला, दो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ और हमीरपुर की, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। दो लोगों की जान चली गई है और लगातार इस तरह के सड़क हादसे सामने आ रहे हैं।
सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक अंतरराज्य गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल सहित 3 शातिर वाहन चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की। सहारनपुर में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको लेकर सहारनपुर एसएसपी द्वारा तुरंत टीम गठित कर चोरों को पकड़ने और मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए गए थे। जांच पड़ताल के दौरान शातिर चोरों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई थी, जिसके बाद सदर बाजार पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छोटी लाइन माल गोदाम रोड जीआरपी कार्यालय के पास से 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही चोरों की निशानदेही पर चोरी की 10 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। गिरफ्तार किए गए चोरों ने बताया कि वो सहारनपुर सहित अन्य जनपदों में भी मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देते थे और इनके नंबर प्लेट्स बदलकर सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। बता दें कि इस गिरोह का खुलासा एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से मन की बात कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं।